सुधांशु जी, एब्सर्ड इलॉजिकल कंपैरिजन जो आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि साहब अपने यहाँ का देख लो ना देश का। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। आइए सुधांशु, मैं बताता हूँ ये जो आंकड़े होते हैं रोमाना जी आंकड़े एब्सर्ड इलॉजिकल कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, विदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जारी होते हैं वो 15 वर्ष की आयु से जारी होते हैं, और भारत का सबसे बड़ा गैप दिखता है 15 वर्ष से लेके 22-23 में 87-88% दिखाते हैं लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जैसे ही वो 24 में आते हैं तो केवल 40% अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्यों भाई? भारत की सामाजिक स्थिति यह है कि 15 से लेके 23 तक के किसी बच्चे को, जिसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो, वो बात छोड़ दीजिए, उसको मां बाप की सपोर्ट में पढ़ाई करता है। वेस्ट में है कि 10वीं में आप पहुंचे, अपना नौकरी करिए, मां बाप ने हाथ घसीट लिया, इसलिए वहां पर इंप्लॉयमेंट की एज 15-16 साल से शुरू हो जाती है। भारत में जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करता है, लगभग सारे मां बाप आज की डेट में ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, 21-22 तक तो 95% बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये है एब्सर्ड इलॉजिकल। और मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं, कोई जाके चेक कर ले। एक इन लोगों का स्टैटिस्टिक्स आई थी, कैसी इलॉजिकल आती है, 0 से 4 ईयर तक के बच्चों में 80% बच्चे इन्होंने लिखा जीरो फूड पे। अब बताइए कोई जीरो फूड पे होगा तो मर जाएगा, ये जानते कहां से आया? अरे भाई, ये कह रहे थे कि जो बच्चों को वो बेबी फूड होता है ना, उसके कंजम्पशन पे किया। अरे हमारे 80% बच्चे मां का दूध पीते हैं, वहां मां का दूध कोई पीता ही नहीं है, इसलिए सबको उसी से देखना है कि वो जो बेबी फूड के कंजम्पशन के आधार पर देखते हैं। अब मैं चाइना के बारे में बताना चाहता हूं। आलोक जी, मैंने क्यों कहा कि एब्सर्ड इलॉजिकल जो राहुल गांधी ने कंपैरिजन किया, आलोक जी को ना पता हो तो मैं बताऊं, एक सज्जन है जिनका नाम है ली शांग फू, ये जानते हैं कौन थे? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब, पता ही नहीं कहां चले गए। एक सज्जन है क्विंग गैंग, ये क्या थे? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, गायब, पता ही नहीं है सर को कहां चले गए। दूसरे हैं मिस्टर लू यू चाओ, ये चाइना की सबसे एलीट जो रॉकेट वाली कमांड है उसके चीफ थे, ये गायब। और सुनिए, ये तो आपको पता होगा, सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा है, जिसके की जैक मा 29.8 बिलियन डॉलर का आईपीओ ला रहे थे, गायब। सर, जिस देश में फॉरेन मिनिस्टर गायब, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर गायब, और जहां पे आर्मी का सबसे बड़ा जनरल गायब हो जाए, और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखो जो रेटिंग निकलती है उसमें मीडिया की स्वतंत्रता में चीन हमसे ऊपर है, जहां की पिछली प्लेनेम जो चाइना की हुई तो हू चिंताओं की बाहर आने के अलावा एक रिपोर्टिंग नहीं है चाइना में। और उसके बाद जब आके साहब आप लोग हंसते हैं तो लोगों को लगता है जब कांग्रेस पार्टी ये बोलती है ये चीन से हुए करार का प्यार है या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए उपहार का इकरार है, जो हमेशा भारत के बारे में तकरार है और सिर्फ चीन के बारे में ही, पहले भी बोल चुके हैं चीन के बारे में, ऐसा नहीं है कि पहले भी बोल चुके हैं, तो या तो वो अज्ञानी है या बहुत खतरनाक डिजाइन का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए आलोक जी, क्योंकि बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। हाँ, ठीक है आइए। देखिए, मैं समझता हूँ दिक्कत यह है हमारे देश में 15 से 49 साल की 84% महिलाएं एनीमिक हैं, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वो मॉल न्यूट्रिशन में है। आप चाइना में वो गायब हो गया, ये गायब हो गया, यहाँ भी बहुत गायब हुए हैं, यहाँ भी गाड़ियाँ पलटती हैं यूपी में और गोली मार देते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। आज का विषय वो नहीं है, मैं इसलिए हंस रहा था। अलीबाबा का सुना, पेटीएम में भी कुछ लेना देना था, सुना पेटीएम को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे, पूछ रहा हूँ मैं, पेटीएम को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जरा थोड़ा सा बता दीजिए। ये पेटीएम कहाँ की कंपनी थी, किस किस के शेयर थे, जरा बताएंगे आप? आप केवल हंसना जानते हैं। 40% हिंदुस्तान की स्टार्टर्स में चाइना का पैसा लगा हुआ है, क्या सच है कि नहीं? आपने रोक लिया क्या उसको? पिछले कोरोना के 5 साल के अंदर इंपोर्ट चाइना से 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, ये किसकी पॉलिसी है भाई? ये हमारी सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार है। आप केवल मजाक उड़ाना सीख रहे हैं, आलोचना भी सुनना सीखिए। हमारे हिंदुस्तान का मीडिया कितने रैंकिंग गिर गया रोमाना जी, जरूर बता के जाइएगा शो के बाद। ठीक, सारे सवाल आज आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, वैसे मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी भी हूँ। और वो जो पीएमओ वाला फोन कॉल मुझे कह रहे थे, अगर स्क्रीन देख रहे होते तो फिर ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हम सारे बयान चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बयान भी जिसको लेकर कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर और आक्रामक है। ठीक है सर, we'll be right back.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।